नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन अब आपको सफलता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे, आपके जीवन में कुछ बड़े योगों का निर्माण हो रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। दोस्तों इन तीन दिनों की अगर मैं बात करूँ तो ये राशि आपकी राशि के महाराशि फल के रूप में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय आपके दुश्मन छाती माथा पीट पीट कर रोने वाले हैं। दोस्तों बता दें आप सभी को कि उनका हाल अब बेहाल होने वाला है और आपके दुश्मन आपसे जल सकते हैं। बता दें कि आपका जीवन पूरी तरह से अब बदलने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप जिंदगी की राह में कांटे बोओगे और फिर अगर आप फूल की उम्मीद रखोगे तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए जीवन के पथ पर जब आप चलना प्रारंभ करते हैं तो आपको ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए कि आप कभी किसी का बुरा ना करें, किसी के कारण आपका कोई कार्य ना रुके और आपका कोई कार्य बनते बनते ना बिगड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपके राशि के महाराशि फल के बारे में जो विशेष बात बता रहे हैं वे आपको सुनना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगी, जीवन में चलते चलते कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है। दोस्तों बता दें कि जो भी बजरंगबली के शरण में आते हैं, बजरंगबली की पूजा आराधना करते हैं, उनको अपनी भक्ति का फल एक दिन अवश्य मिलता है। भले ही फल लगने में देरी मिले पर मिलता जरूर है। इसलिए दोस्तों आपको अपने जीवन में हर कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए और आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बता दें ये आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में है। आपकी गलती व गुणों को देख करके ये बनाया गया है। आखिर कौन से ऐसे कार्य करें ताकि आपकी दोस्तों सोई हुई किस्मत जाग सके और आपके जीवन काल में परेशानियां उत्पन्न ना हो, महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को देखा तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। बता दें कि श्री राम का भी आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है और ये गुप्त संदेश आपको जानने की बेहद ही जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली जय सियापति राम नहीं लिखा तो दोस्तों इसे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब जानते हैं आपके इन तीन दिनों के राशि के महाराशि फल के बारे में। सम्मेलन में जा सकते हैं, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे तथा दोस्तों सम्मान के साथ साथ आप लोगों की अभावकता भी रह पड़ सकती है। संतान संबंधी मामलों में भी जैसे कार्य मान लें, विवाह, नौकरी इत्यादि की भी योजना बन सकती है। ये योजना काफी हद तक सफल रहने वाली है। मेहमानों की आवाज जाही रहेगी और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस समय अंतराल में, मतलब ये जो समय आप लोगों के लिए रहने वाला है, जो समय की गति रहने वाली है, वह ग्रह नक्षत्रों की चाल पर पूरी तरह से निर्भर है। शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, मतलब आपके पक्ष में समय साबित होने वाला है। समय की गति भी आपके पक्ष में रहने वाली है। दोस्तों बता दें कि पिछले कुछ समय से किसी समस्या से यदि आप जूझ रहे थे, कोई समस्या आपको परेशान कर रही थी, धन से संबंधित, पारिवारिक जीवन से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी बड़ी समस्या है, तो उससे आपको नया समाधान मिल सकता है, राहत मिलने वाली है। नया निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय आपका काफी अच्छा रहने वाला है। बता दें कि किसी पर भी आपको आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है दोस्तों, अन्यथा आप पतन की ओर जा सकते हैं और आपका पतन निश्चित हो सकता है। आप लोगों को हानि भी पहुंच सकती है। दोस्तों बता दें कि किस क्षेत्र में आपको बता दें दिक्कतों का सामना कर सकता है। याद रखें यदि किसी को धन दे रहे हैं तो धन की लेन देन में थोड़ी देरी हो सकती है। दोस्तों इसके साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगी कि धन लाभ के कुछ अवसर तो आपको प्राप्त होंगे ही होंगे, लेकिन इन अवसरों को बुलाना आपके हाथ में ही होगा। अवसर तो मिलेंगे लेकिन उनका किस प्रकार से आपको उपयोग करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कोई भी मौका आए तो उसे हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें और दोस्तों बेफिजूल की खर्ची पर भी आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों इस समय आपको मेहनत का पूरा फायदा भी मिलने वाला है,
यदि आप लोग पिछले समय अंतराल में किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए सोच रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। बता दें दोस्तों, इसके साथ ही साथ व्यवसाय में भी नए कार्य आप लोगों के अच्छे हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों के प्रति थोड़ा सचेत रहें, आगे बढ़कर कार्य करें, बड़ी सफलता आपको अपने हाथ लगेगी लगेगी। दोस्तों इसके साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगी, व्यापार करने के बारे में यदि सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफी अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। बजरंगबली का नाम लेके हुए कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। आपकी छवि लोगों के साथ में निशुल्क रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो भी जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी अच्छे विवाह के प्रस्ताव हासिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने की बहुत आवश्यकता रहने वाली है। इसके साथ ही साथ आपको इस समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। दोस्तों आप इस समय में वाणी की थोड़ी सी मधुरता के कारण आप लोगों को अपने नए मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये सावधानी की बात है कि आप लोगों को नई खरीदारी करने से आप बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाले हैं, लेकिन इन खुशी के चलते हुए दोस्तों आप लोगों को आप लोग की राहत बहुत जल्दी तेज बढ़ती हुई नजर आने वाली है, जिसके कारण दोस्तों आप लोगों के साथ में कोई बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना होती हुई नजर आ रही है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ संतान जो है वह आपके साथ में, परिवार के साथ में, परिवार के सभी लोग आप लोगों के साथ में काफी खरा उतरने वाले हैं। इस समय दोस्तों आप लोगों को नए कार्यों के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। यदि कोई कार्य करते हैं आप, उसमें यदि आप निवेश करते हैं तो घाटे की स्थिति बन रही है, इसलिए थोड़ा बचकर रहें। दिक्कतों से दिल छोटा ना करें, प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाकर रखें। किसी तीसरे की बातों को सुनकर के दोस्तों अपने प्रेमी के बारे में कोई भी राय ना बनाएं। भागीदार आपकी योजनाओं पर और व्यवसायिक ख्यालों के प्रति उत्साहित हो सकते हैं। आप अपने लिए वक्त निकालकर अपने जीवन साथी के साथ में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। रिश्तेदारों के चलते जीवन साथी से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आखिर में सब सही हो जाएगा। अभी आप भौतिक सुख, सोशल और कला की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। परिवार के साथ में घूमने और भोजन का मजा लेने के लिए अपने बजट को संतुलित रखें। प्रभावी बातचीत का मतलब है समझदारी से बोलना और ध्यान से उसे सुनना। इसके लिए सुनिश्चित तरीके से आप अपने रिश्ते में ये दोनों कर रहे हैं। आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ में समय बिता सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपके इसने ध्यान और समय की आवश्यकता है। ऑफिस के साथ साथ में घर के कामों के लिए भी आपको वक्त निकालना है। अपने कामों के प्रति जिम्मेदार रहें, इसे आप अपने प्रियजनों का विश्वास जीत पाएंगे। असफल होना जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आप लोगों को दोस्तों नए कार्यों के प्रति आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा। चैनल में यदि आपको कुछ नया देखने को मिला हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दैनिक राशिफल के लिए, प्रत्येक दिन के राशिफल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।